इसका क्वालिटी देख लो एक बार, इतना कुछ खास लगा नहीं मुझे। तो वो दो नट्स निकालने के लिए हमें लगेगा 10 नंबर का स्पैनर। ऊपर कर लिया, यहाँ से ये निकाल देना है पीछे। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वैगनआर फिक्स। तो वैगनआर फिक्स के इस एपिसोड में हम करने वाले हैं डोर हैंडल चेंज। डोर हैंडल मेरा खराब हो चुका था, पीछे वाला डोर का, राइट साइड के रियर डोर का डोर हैंडल खराब हो चुका है, तो वो मुझे चेंज करना है। और साथ ही साथ हम करने वाले हैं विंडोज़ के जो गार्निश होते हैं, जो कि यहाँ पे लगते हैं बाहर, वो हम चेंज करने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को मैं दो हिस्सों में बांट दूंगा। एक वीडियो में हम करेंगे डोर हैंडल चेंज और दूसरे वीडियो में हम करेंगे वो विंडो गार्निश चेंज। तो वो सारे प्रोडक्ट्स मैं लेके आ चुका हूँ बाइक पे। विंडो गार्निश तो बहुत लंबी थी, इतनी थी, तो वो दोनों फ्रंट डोर के जो विंडोज़ है उसके विंडो गार्निश मैं लेके आ चुका हूँ, और साथ ही साथ डोर हैंडल्स भी लेके आ चुका हूँ। एनीवेज, तो पहले शुरू करते हैं पीछे वाले डोर का हैंडल चेंज करने से। तो मारुति सुजुकी के स्पेयर पार्ट शॉप से मैंने ये परचेस किया है, जेन्युइन है, और इसका प्राइस देख सकते हो आप कि यहाँ पे 130 लिखा हुआ है। और मैंने दो हैंडल परचेस किया, एक राइट रियर डोर के लिए और एक लेफ्ट फ्रंट डोर के लिए। तो कुछ ऐसा दिखता ही है, इसका क्वालिटी देख लो, इतना कुछ खास लगा नहीं मुझे, पर ठीक है अभी। तो पहले हम रियर डोर का हैंडल चेंज कर लेंगे और फिर बाद में ये डोर का जो कि लेफ्ट वाला है फ्रंट में। अभी सीन कैसा है कि अगर हमें डोर का हैंडल चेंज करना है तो पहले हमें ये जो पूरा पैनल है, ये ब्लैक वाला पूरा, ये निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए हमें यहाँ पे ये स्क्रू एक है वो निकालना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्क्रू है वो निकालना पड़ेगा, और साइड से ये जो पिंस है, ये वाले थंब पिंस, वो निकालने पड़ेंगे। तो वो निकालने के बाद ये पूरा पैनल बाहर आ जाएगा, फिर वायर डिस्कनेक्ट कर देना है पावर विंडो का। तो पहले मैं ये पूरा पैनल निकाल के ले लेता हूँ, दो स्क्रूज और जितने भी पिंस है वो निकाल लेता हूँ, और फिर डिस्कनेक्ट करके आपको पूरा हैंडल कैसा अंदर दिखता है, अंदर से कैसा है पूरा सिस्टम वो दिखा देता हूँ। उसके बाद हम हैंडल चेंज कर लेंगे। तो ये जो पूरा पैनल है वो प्रेस फिटिंग पे है, मतलब जो ये प्रेस बटन्स होते हैं येलो कलर के आपको दिख रहे होंगे सब जगह पे, तो वैसा वाला पैनल है। तो खोलने के लिए आप यहाँ से खोल सकते हो, यहाँ से पुल कर सकते हो, तो ये इजीली फटाफट निकल जाता है। अब ये निकाल दिया है मैंने, अब ये जो वायर है पावर विंडो का, उसको हम कपलर को निकाल लेंगे और फिर दिखाता हूँ कि हैंडल वहाँ से कैसे निकालना है। ये पूरा पैनल निकालने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। अभी ये ऑरेंज कलर का जो पेपर है वो वाटरप्रूफिंग के लिए होता है, स्पीकर्स के लिए और वायर्स के लिए। तो वहाँ पे हैंडल है यहाँ पे इस एरिया में, तो वो थोड़ा हम पूरा पेपर निकाल लेंगे और फिर हैंडल कैसे निकालना है वो दिखा देता हूँ। इसको, इस पेपर को निकालना है कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो सिर्फ कुछ स्टिकी सब्सटेंस से वो चिपकाया हुआ होता है। अभी यहाँ पे देखोगे तो ये रहे हैंडल के दो नट्स, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, और ये उसका लॉकिंग मैकेनिज्म है जो कि कुछ ऐसे दिखता है। तो वो पहले दो नट्स है वो निकाल लेते हैं और फिर ये लॉकिंग मैकेनिज्म निकाल के नया वाला इंस्टॉल कर लेंगे हैंडल। तो वो दो नट्स निकालने के लिए हमें लगेगा 10 नंबर का स्पैनर। तो इसको निकालने का इजी तरीका ये है कि ये जो वाइट कलर का दिख रहा है आपको लॉक, वो ऊपर करना है। ये ऊपर कर लिया, यहाँ से ये निकाल देना है पीछे, हैंडल वहाँ से निकल जाएगा। ये निकल गया हैंडल। अभी हम इसको भी वैसे ही इंस्टॉल कर देंगे, पहले ये दो जो बोल्ट्स है वो अंदर डाल देंगे, फिर बाद में ये लॉकिंग मैकेनिज्म जो है वो फिट कर देंगे। फिट होने के बाद दिखा देता हूँ मैं। अभी देखो सिंपल काम है, यहाँ पे मैंने ये दो नट डाल दिए, मैंने यहाँ पे हैंडल लगा दिया है, और इसको ये जो हमारा मैकेनिज्म है उसका जो आर्म है वो हमें इसके अंदर डाल देना है, ऐसे ये होल के अंदर आ जाएगा यहाँ पे, ऊपर से बस ये लॉक जो है वो इसके ऊपर प्रेस करके लगा देना है। वो अच्छे से प्रेस करके मैं लगा देता हूँ, और फिर ये पूरा पैनल हम कवर कर लेंगे वापस और टेस्ट करेंगे डोर का हैंडल वर्क कर रहा है कि नहीं। 5 मिनट्स लेटर, अभी पूरा पैनल मैंने ये फिक्स कर दिया है, अभी टेस्ट करके देखते हैं। पहले विंडोज़ रोल डाउन करके देखते हैं, क्योंकि ये स्विच हमने निकाला था, इसका जो सॉकेट था वो निकाला था, पहले वो देखते हैं।
ये मैंने कर दिया ऑन, विंडो रोल डाउन हो रही है, विंडो अप भी हो रही है। ओके, अभी लॉक करके देखते हैं गाड़ी को, पूरा सेंट्रल लॉकिंग पूरा ऑन करके देखते हैं। ये डोर हो गया सेट, खुल रहा है। ऑल गुड। तो इस तरह से ये फिक्स हो चुका है डोर का हैंडल। तो यही था कुछ प्रोसेस पूरा डोर हैंडल चेंज करने का, डोर पैनल खोलने से लेके डोर हैंडल को फिटिंग, डोर हैंडल कैसे फिट करना है, कैसे लगाना है, पूरा सब टोटल कवर कर दिया है मैंने इस वीडियो में। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर लाइक करके जाना, कमेंट करना और शेयर कर लेना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाजू का जो बेल आइकन है वो भी दबा देना, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस डालूं इन्फॉर्मेटिव कार के रिलेटेड, बाइक के रिलेटेड, जो भी हो, जिक्सा फिक्स और वैगन फिक्स के इन दोनों सीरीज में ऐसे ही सब वीडियोज आने वाले, मॉडिफिकेशन और ये सब जो जो मैं करता हूँ, सर्विस वगैरह वगैरह जो भी हो गाड़ी से और बाइक से रिलेटेड, कार से और बाइक से रिलेटेड, जितना भी कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करते रहूंगा। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, अगला वीडियो तो होगा ही अपना विंडो गार्निश का चेंज करने वाला, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।